गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 विषय गणित अध्याय 14 प्रश्नावली 14.1 और पार्ट 1, आज से मैं आपको न्यू चैप्टर 14 जिसका नाम है आपका गुणनखंड। तो इसमें आपको फॉर्मूले के हिसाब से करने हैं, तो जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा वैसे वैसे आप वीडियो को ध्यान से देखते रहेंगे। अब गुणनखंड में क्वेश्चन नंबर 1, दिए हुए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात किए। सार का मतलब होता है एक सा, यानी कि जो हमारी संख्याओं में एक से आते हैं उन्हें सार बोलते हैं। जैसे आपका पहला है उत्तर 1, पहला 12x और 36 ये है। अब इसके गुणनखंड हमें करने हैं, तो 12x के अगर हम करते हैं टुकड़े तो इसके टुकड़े होते हैं 2 × 3 = 12 और x अलग अलग कर दिया हमने इसको। ऐसे ही 36 के हमने कर दिए, तो 36 के भी 2 × 4 = 12 + 36। तो अतः ध्यान से देखेंगे, अतः दिए हुए पदों में सार गुणनखंड, तो सार गुणनखंड। अब दिए हुए में क्या है, एक तो 2, 2, 3 ठीक है, तो ये है आपके। तो 2, 2 और 3, तो इसको अगर हम करते हैं 2 × 2 × 3 = 12 है, ठीक है। ऐसे ही आपका सेकंड है, ध्यान से देखेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको आप कॉमन करते चले जाएंगे। तो आपका है 2y और 22xy, 2y और 22xy ठीक है। तो इसका पहले 2y का अगर हम करते हैं तो 2 × y ये अलग अलग हो गया। इसके बाद 22xy को करते हैं तो 2 × 11 × x × y, तो इसमें अगर हम कॉमन करते हैं तो आता है दिए हुए पदों में सार गुणनखंड बराबर। अब इसमें सार गुणनखंड है 2 और y, फिर ये दोनों हैं तो 2 और y, तो 2 × y = 2y है, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे, तो ऐसे ही इनके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ध्यान से आप करेंगे अपने आप ये आपके बिल्कुल सेम इसी तरीके से होने हैं, ठीक है। अब देखिए उत्तर 2, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आराम से होते चले जाएंगे ये क्वेश्चन, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, उसमें सार लिखना था अब इसमें गुणनखंड करना है। तो आपका पहला है 7x - 42, आप किसी भी तरीके से करते हैं लेकिन सलूशन सही होना चाहिए। तो अगर हम इसको करते हैं तो इसके अगर टुकड़े करते हैं तो 7 का अगर हम करते हैं तो 7 का कितना आएगा, 7 × x - और अगर हम 42 को खोलते हैं तो 2 × 3 × 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद से सार गुणनखंड
सार कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो कॉमन है, जो दोनों में है, ठीक है, को बाहर निकालने पर, को बाहर निकालने पर, ठीक है। अब बाहर निकालेंगे तो बाहर जो कॉमन है वो कौन सा है आपका, तो दोनों में कॉमन क्या है आपका, सेवन, तो सेवन को हम बाहर निकाल देंगे, जो बचेगा उसको अंदर रख देंगे, तो एक्स बचा माइनस दो गुणा तीन, ठीक है। तो अगर इसको हम करते हैं सॉल्यूशन तो सात एक्स माइनस दो तिया छः, तो ये आपका, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये फर्स्ट है, इसी तरह आप सेकंड पार्ट करेंगे इसका, तो सेकंड पार्ट है इसका छः पी माइनस बारह क्यू, तो इसको भी ऐसे करेंगे, दो तिया छः खोल दिया ऐसे, दो दुनी चार तिया बारह गुणा क्यू, ठीक है। तो इसमें से ऐसे करेंगे प्रत्येक पद से सार गुणन खंड को बाहर निकालने पर, निकालने पर, ठीक है। तो इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन देखो, एक तो दो दो, तीन तीन, तो दो गुणा तीन, तो क्या रह गया इसमें, पी, और इसमें रह गया आपका दो गुणा क्यू, ठीक है। तो दो तिया छः पी माइनस टू क्यू, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे, तो गुणनखंड में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ध्यान से करते रहेंगे तो सब आता रहेगा आपको। अब देखिए आपका आंसर तीन, अगर आप फॉर्मूले को या आप गुणनखंड में एक्स वाई को अगर ध्यान से करते रहेंगे तो जल्दी से समझ में आता है इसमें। अब देखिए उत्तर तीन, अब इसमें है आपका पहला, इसमें भी गुणनखंड करना है, लेकिन अब यहां पर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस आठ एक्स प्लस आठ वाई, अब यहां पर आपके चार हो गए, एक दो तीन चार, तो अब इसमें जोड़े बना के कॉमन लेंगे, ठीक है। तो पहले पद में हो गया एक्स, तो एक्स प्लस वाई, दूसरे में आपका 8 आ गया x प्लस वाई, इसमें कॉमन क्या है, ये वाला जोड़ा मिलना चाहिए, अगर ये मिल गया तो आपका सम सही है, तो x प्लस वाई क्या रह गया आपका, x प्लस आठ, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका सेकंड देखिए, सेकंड में आपका 15xy माइनस छः एक्स प्लस पाँच वाई माइनस दो, अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं मिल रही है कि इसको कॉमन लिया है, तो अगर किसी टेबल में ये आ रहा तो हम वो ले सकते हैं। अब तीन में पंद्रह और छः दोनों आ जाएगा, तो हम तीन को बाहर निकाल लेंगे, तीन एक्स, एक्स भी यहाँ कॉमन हो रहा है, तो तीन एक्स बाहर निकाल लेंगे, तो तीन पंजे पंद्रह माइनस तीन दुनी छः, एक्स से एक्स कट गया। अब यहाँ पर पाँच वाई माइनस दो, पाँच वाई माइनस दो कॉमन हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो हम प्लस वन कॉमन ले लेंगे, जहाँ कोई कॉमन नहीं होता वहाँ वन आता है, तो पाँच वाई माइनस दो, अब ये दोनों जोड़े मिल गए हमारे, तो अब यानी कि पाँच वाई माइनस दो और तीन एक्स प्लस वन, ठीक है। इस तरह से आपको आगे के सारे क्वेश्चन करने हैं, चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है इसमें, कि चिन्ह कौन से कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट है 14.1, और ये पार्ट आपका वन है, ठीक है। इसको आप कॉपी में करेंगे, और जो सम्स मैंने नहीं कराए वो आपको खुद ही अपने आप स्वयं करने हैं। थैंक यू।